ठीक है। डॉक्टर साहब के कहने से ज्यादा सफाई की है हमने। अब अगर मिट्टी का एक दाना भी मिला ना, तो हमारा नाम खुशी कुमारी गुप्ता सिंह राय तागन। हम अभी साफ कर देते हैं। खुशी बिटिया, अब काहे इतना घबरा रही है? छोटे ठीक हो जाएंगे। नहीं नानी जी, अब तो 4 घंटे हो गए। सब हमारी गलती है। ये लीजिए, एक मिनट में आपका हाथ चल जाएगा। ये लीजिए, चाहिए? कोई नुस्खा काम नहीं आया, बुआ जी का काढ़ा भी नहीं। हमारे अगरपति ने उनके गले को हमेशा हमेशा के लिए। नहीं नहीं नहीं, सोच खुशी सोच, कोई तो उपाय होगा, कुछ भी कैसे भी। अर्णव जी, ये आपके लिए अदरक वाली चाय। अच्छा, इसे ठंडी होने से पहले पी लीजिएगा। ऐसे चाबी लेना खतरे से खाली नहीं, हमें इसका कोई और ही उपाय ढूंढना होगा। बात नहीं करेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। खुशी को पता तो नहीं चल गया कि मेरी आवाज वापस आ गई। अगर आपकी यही मर्जी है तो ठीक है। खुशी, ये क्या पागल बने? देवी मैया की कसम, आज हम आपसे बात करवा कर रहे हैं। ड्रेल खुशी, पागल हो गई हो क्या तुम? छोटे थे, हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हीरो की आवाज चली गई थी और उसको एक झटका लगा
जैसे झटका लगा उसकी आवाज वापस आ गई, हमने वही उपाय आजमाया और देखा कैसे काम कर गया। ये पागलपन भी था। अन्ना पिटुआ, देखो हम अपन आईज से देखबे किए हैं, हम कोर्ट में गवाही देबे कि ये फटी सड़ी किलर है। इतने पुलिस को जल्दी से बुलाइए ना। मनोरमा जरा शांत हो जाइए, खुशी बिटिया नाटक किए रहे छोटे की आवाज वापस लाए के खातिर, लेकिन लागत है इसका असर आपकी आवाज पर ज्यादा हुई गवा। भाई कुछ कहो, ये घरेलू बॉलीवुड नुस्खा हमका बड़ा पसंद आवा, ना पहले कभी कहीं देखे ना कहीं सुने। अन्ना बिटुआ अब तो खुशी बिटिया के दाद देवे के पड़ी। हाँ खुशी के नुस्खे अजीब होते हैं पर काम जरूर कर जाते हैं। अरे तो हमका कहाँ पता रहा कि खुशी बिटिया के पास ई हुनर भी है। What the hell? मेरी आवाज 3 घंटे पहले ही आ गई। काढ़ा पीते ही ये स्टूपिड नुस्खे। अच्छा जी, तो हम लोगन के साथ मजाक हुआ था, ये ले आओ, हम लोग उल्लू बनत रहे। वाह भाई वाह। क्या आपने हमसे झूठ बोला, हमें धोखे में रखा? क्यों? मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई। मनोरमा हमका लागत है हम लोग चलना चाहिए यहाँ से। खुशी बिटिया और नौ बिटवा के साथ हिसाब किताब करते रहेंगे, लगे रहो बिटिया। अब आप जाओ, आप करियर का है। जवाब दीजिए हमें, अब सब लोग चले गए, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। साफ साफ बताइए कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला, बताइए, जवाब दीजिए। हमें चिंता करते देख आपको बहुत मजा आ रहा था, अब बोलिए ना, अब आप चुप क्यों हैं? हम अच्छी तरह से जानते हैं आपकी आवाज वापस आ गई। क्योंकि मैं अपनी आवाज वापस आने का क्रेडिट तुम्हें नहीं देना चाहता था। एरन मोजुरी के रनिंग क्रेडिट।